नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्यवंशी मूवी के अब तक के टोटल एडवांस बुकिंग के कलेक्शंस के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर होने के लायक है या नहीं। ऐसे इंडियन फिल्म्स के कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्म्स कलेक्शन को सूर्यवंशी मूवी में हमें अक्षय कुमार और कटरीना के लीड रोल में दिखाई देंगे। इस मूवी को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट 100 करोड़ के ऊपर बताया जा रहा है। यह मूवी 5 नवंबर को दिवाली के अवसर पर थिएटर्स में रिलीज होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पिछले 2 सालों से थिएटर्स की कंडीशन बहुत बुरी चल रही है, और सूर्यवंशी मूवी भी पिछले 2 सालों से थिएटर्स में आने से रुक रही है, और कहीं ना जाकर अगले 2 दिनों में ही यह थिएटर्स में रिलीज़ होंगी। ऐसे में फैंस की बेताब की बढ़ती जा रही है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कुछ थिएटर्स तो पहले से ही हाउसफुल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांस बुकिंग के वजह से पहले ही थिएटर्स बहुत सारे थिएटर्स यानी कि हाउसफुल हो चुकी है, और अगर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस ना करना हो तो आप पहले से ही एडवांस बुकिंग करके रखिए। तो बात करें इस मूवी के एडवांस कलेक्शंस के बारे में, तो सूर्यवंशी मूवी ने रिलीज़ होने से पहले ही 10 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि रिलीज़ होने से पहले ही कुछ थिएटर्स एडवांस बुकिंग की वजह से हाउसफुल हो चुके हैं, इसी वजह से इस मूवी ने 10 करोड़ से भी ऊपर की एडवांस कलेक्शन कर ली है, और इसी की वजह से यह दावा लगाया जा रहा है कि सूर्यवंशी मूवी अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया में 25 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर सकती है, जो कि यह पिछले और अभी इन दोनों सालों के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो यह मूवी 14 तारीख यानी कि कल भी 4 करोड़ से भी ऊपर की एडवांस कलेक्शन पा सकती है, जिससे कि सूर्यवंशी मूवी का एडवांस टोटल एडवांस कलेक्शन 15 करोड़ से भी ऊपर का हो जाएगा, और यह मूवी पक्का बताया जा रहा है कि ब्लॉकबस्टर होगी। तो जाते जाते कमेंट में बताना मत भूले कि क्या यह मूवी 200 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर सकती है या नहीं, और जाते जाते हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्म्स कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।